हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्प्लिकेटेड स्पोर्ट्स चैनल में। तो आपका भाई लेके आ गया है आपके लिए ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का जो हॉकी का मुकाबला खेला जाएगा उस पर पूरी एनालिसिस के साथ वीडियो। तो अभी तक आपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने भाई को आगे ले जाने में मदद करें। तो भाई, अगर आपको बता दें कि यह जो मुकाबला है भुवनेश्वर में खेला जाएगा, जैसा कि आपको पता है कि अभी ओडिशा में ही जो चल रहे हैं हॉकी के वर्ल्ड कप, तो आपको बता देते हैं कि दोनों ही टीमों के जो हेड टू हेड प्रदर्शन रहे हैं, कुल जो है 11 मैच खेले गए हैं, जिनमें से इंग्लैंड ने 2 मैच जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 7 और 2 मैच यहां पे ड्रॉ रहा है। तो आप यहां पे प्रदर्शन देख सकते हैं दोनों ही टीमों की हेड टू हेड, तो इससे आप अनुमान लगा के चल सकते हैं कि कौन सी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है हेड टू हेड में। हालाँकि अगर आपको बता दें कि दोनों ही टीमों का जो रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है उसमें जो है अभी इंग्लैंड का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आप यहाँ पे एक एडवांटेज लेके चल सकते हैं कि इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी आप रख सकते हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ मैं पता जो मतलब प्रदर्शन देखा था मैं हॉकी के, तो उसमें जो मेरे हिसाब से लग रहा था कि इंग्लैंड के जो है प्लेयर्स के प्रदर्शन काफ़ी अच्छे चल रहे थे। और आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में इन दोनों ने केवल जो है कुल 10 मैच खेले हैं और यहाँ पे इंग्लैंड ने 2 मैच जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो है जो हमेशा से हावी रही है इंग्लैंड पे, तो आप यहाँ पे आपके लिए एक पिक हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट टाइम जब ये भिड़े थे तो ऑस्ट्रेलिया 2-1, यानी ऑस्ट्रेलिया जीती थी 2-1 से, और वो था सेमीफाइनल कॉमनवेल्थ गेम्स का 2018 में। और आपको बता दें कि दोनों ही टीमों की तरफ से क्या रहने वाली है प्लेइंग 11, तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिमी हार्वर्ड, जेरमी हार्वर्ड, जैके वेटन, फ्लैन ओगलिवे, मैथ्यू डावसन, ब्लाके गोवेट्स, ट्रेंट मिटून, एंड्रो चार्टर, एडी ओक्डेन, और उसके बाद आरन जेलक्विस, डेनियल बैले, दल्यान वेथफूर्ड्स या टॉम करिक। तो इन दोनों में से कोई एक खेलेगा, वेथरस्पून और टॉम करिक में से। तो ये दोनों प्लेयर थोड़े रिस्की हो जाएंगे अगर आप पिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। मैं यही सब तो आपके लिए खोज के लाया हूँ ताकि आपको कोई पिक करने में दिक्कत ना हो, जो प्लेयर ना खेले आप उन्हें पिक ना करें। तो ये दोनों प्लेयर रिस्की होंगे, तो आप यहाँ पे इन दोनों को देख लेंगे और आप अपने से ही देख लीजिएगा प्लेइंग 11 अगर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंस किया हो। तो आप यहाँ पे प्लेइंग 11 देख सकते हैं, दोनों ही टीमों का मैंने दे दिया। और इंग्लैंड का की तरफ से बात की तो हैरी मार्टिन, मैकल हाउरे, डेविड कोंडो, जॉर्जे पिनर और सैम वर्ड, बैरी मिडलटन, मार्के ग्लोरने और एडम डिक्सन, यान स्लोन और फिल रोपर और लियाम सैनफोर्ड। तो ये हो सकती है इंग्लैंड की प्लेइंग 11। और अगर आप देखना चाहें तो रोक के वीडियो देख सकते हैं, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 मैंने दे दी है। यहाँ पे एक प्लेयर जो है रिस्की, 2 प्लेयर रहने वाले हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया। और की प्लेयर की बात करें तो दोनों ही टीमों की तरफ से आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जेरमी हार्डवेयर और ट्रेंट मिटून और बालके गोबर्स। तो ये हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की प्लेयर, जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम के। और वहीं इंग्लैंड हॉकी टीम की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्क ग्लोरने और सैम वर्ड और लैम एसले और ब्रिड मेल्डोन बैरी मेडलटन, तो ये प्लेयर हो सकते हैं इंग्लैंड के की प्लेयर्स। तो चलिए देख लेते हैं अब हमारी जो ड्रीम इलेवन की टीम रहने वाली है क्या रहने वाली है इस मुकाबले के लिए। मैं आपको सीधा ड्रीम इलेवन की अपनी टीम बता दूंगा, अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो यहाँ पे मैंने दे दी है प्लेइंग 11 और यहाँ पे मैंने बता दिया है कि ये दोनों प्लेयर रहेंगे रिस्की, तो आप उनके अनुसार चेंज कर लेना, तो आप इतना तो कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पे बना लेते हैं अपनी ड्रीम इलेवन की टीम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के मुकाबले के लिए हॉकी के। तो देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले गोलकीपर। तो देखिए आप यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे, इस प्लेयर ने भी माइनस दिया है, इस प्लेयर ने भी माइनस दिया और इसने भी माइनस दिया है, और यहाँ पे इसने 5 दिया है पॉइंट। तो देखिए आप एक बात बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं कि इस प्लेयर ने माइनस दिया है तो आज के मुकाबले में भी ये माइनस दे, या आपको आज खेलते हुए नज़र आएंगे पिनियर
जो है ये आज आपको खेलते नज़र आ जाएंगे। और हो सकता है ये नहीं कि इसने पिछले मुकाबले में माइनस दिया तो आज के मुकाबले में माइनस दे और अच्छे प्लेयर नहीं है। देखिए हॉकी में ऐसा होता है, अक्सर आपको गोलकीपर माइनस दे के चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो लेना है, आपकी ये तो पता होगा मुझे कि अभी जो फर्स्ट चॉइस रहेगी, यहाँ पे 5 पॉइंट इन्होंने दिया इनको, लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहें तो ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हैं तो इनके जगह इनको ट्राई करना, ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करना, काफ़ी अच्छे पिक होंगे। मैं बता रहा हूँ कि ये जो आज है ना, आज काफ़ी अच्छे पिक होंगे ये पिनर। तो आप अगर ग्रैंड लीग ट्राई करना चाहें तो जॉर्जे पिनर को ट्राई कर सकते हैं। और वहीं बात कर लेते हैं डिफेंडर सेक्शन की, तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है मार्क ग्लोर ने, देखिए काफ़ी अच्छे पिक होंगे, 105 पॉइंट दिया अभी तक इन्होंने, और ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी नंबर एक दावेदार होंगे। और यहाँ से दूसरे में मैंने लिया है जर्मी हार्वर्ड को, मैट डॉसन को, और यहाँ से मैंने लिया है लैमसन फोर्ड को। तो आपको यहाँ पे क्रेडिट मैनेज करके भी चलना पड़ेगा। अगर इनको मैं नहीं लेता तो यहाँ से आप ट्राई करना चाहो तो माइकल हावरे को ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर है और काफ़ी अच्छे पॉइंट देंगे। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे माइकल हावरे, टिम हॉवर्ड, और यहाँ पे ऑप्शन है ये नहीं खेलेंगे इस जी ओकचेंड, और यहाँ पे आपसे ऑप्शन की बात करें मैथ्यूसवेन है। तो ये कुछ ऑप्शन है जिनको आप ट्राई करना चाहें तो प्लेइंग इलेवन देख के एक बार ट्राई कर लेना। और बात कर लेते हैं मिडफील्डर की, तो यहाँ से मिडफील्डर में मेरे डेनियल वेल है, और यहाँ से है हैरी मार्टिन, फिल रोपर, तो ये कुछ प्लेयर हैं। आप अगर आप ट्राई करना चाहें तो इंग्लैंड की तरफ से एक डेविड एम्स को ट्राई कर सकते हैं, जेमी गर्ल को ट्राई कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं फॉरवर्ड फील्डर की, तो फॉरवर्ड में मैंने लिया ट्रेंट मिट्टून और बाल के गोबर से। देखिए ये दोनों तो आपके लिए डिफ़ॉल्ट पिक रहेंगे, फॉरवर्ड फील्डर में दोनों ही काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। और यहाँ से मैंने लिया है लैम एसन को, अगर ट्रम्प कर को आप ट्राई करना चाहें तो थोड़े से रिस्की हो जाएंगे। आप एज ए टीम ब्रांड को ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, 68% लोगों ने ट्राई किया है आज के मुकाबले में। तो चलिए देख लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की क्या चॉइस रहने वाली है। तो कैप्टन के लिए जो मैंने बोला था एक नंबर पर चॉइस रहेंगे वो यही रहेंगे मार्क क्लोर ने, और वाइस कैप्टन मैंने यहाँ से बना दिया है लैम एंसल को। अगर आप अगर हट के बनाना चाहते हो यहाँ से जा सकते हैं बाल के गोबरेस के साथ, और उसके अलावा जाना चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं जेम हार्वर्ड के साथ। तो ये कुछ ऑप्शन है जिनके साथ आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, जिसके लिए आप स्वतंत्र हैं, और चाहें तो बिल्कुल एक दो चेंजेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने लिया टेलर लोवेल को, मार्क ग्लोरने को, लैमडन सनफोर्ड को, मैट डेवसन को, जेरमी हार्वर्ड को, और यहाँ से मिले हैरी मार्टन, फिल रोपर, डैनियल वियाले, ट्रेंट मिटून, बाल के गोब्रेस और लैम एंसल। उसके बाद ये प्लेयर हैं जिनको मैंने अपनी टीम में पिक किया। आप जाना चाहें तो बिल्कुल एक दो चेंजेस करके जा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टीम प्रीव्यू। तो आप अगर जाना चाहो तो कैप्टन वाइस कैप्टन अपने अनुसार बना के चल जाना। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और अपने भाई को भी आगे ले जाने में मदद कर दो। यार कितना दिन पीछे रखोगे आप लोगों, तो बहुत लोगों को आगे तक लेके चल गए चैनल को, मुझे भी थोड़ा आगे लेके चल जाओ भाई। खैर छोड़ो वो बात की बात है, बस सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना वीडियो पे भाई। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।